कब से इस सॉन्ग का वेट कर रहा था। जब मैंने इसके बारे में ट्विटर पर देखा था कि लोग इसकी रिलीजिंग डेट को लेकर ट्रेंड चलाए हुए हैं, तब मैंने जो लगा कि यार पता नहीं कितना ही बढ़िया सॉन्ग होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पानी पानी सॉन्ग के बारे में, जो कि ट्रेंडिंग नंबर 3 पे चल रहे हैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूं, और अब तक इसके ऊपर 39 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ऐसा क्या है इस सॉन्ग में जिसके ऊपर 39 मिलियन व्यूज आ चुके हैं? अब ऐसा मत बोल देना कि यार इसके ऊपर ज्यादा व्यू है तो ये सॉन्ग बहुत ज्यादा हिट हो गया है, जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा हिट होता है सॉन्ग। ऐसा नहीं होता है यार, अगर ऐसा होता तो टोनी कक्कड़ भैया के सारे सॉन्ग अब तक हिट हो चुके होते। मैंने दिलजीत दोसांझ सर का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बस आज की डेट में सॉन्ग कोई अच्छा है या बुरा है वो इस बेस पे मापा जाता है कि उसके ऊपर व्यूज कितने हैं। उसमें ना तो लिरिक्स देखे जाते हैं ना उसका सेंस देखा जाता है। वो वाली बात इस सॉन्ग के ऊपर बिल्कुल सही साबित होती है। पानी पानी सॉन्ग के अगर आप कमेंट सेक्शन को एक बार झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने ज्यादा ठरक से भरे पड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जैकलिन फर्नांडिस को देखने आए हुए हैं और वहां पर उनके बारे में बातें लिखने आए हुए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सॉन्ग में क्या गाया जा रहा है, इसके लिरिक्स क्या है। चलो लिरिक्स की बात आई गई है तो लिरिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसमें है नहीं, खैर जितनी भी लाइनें इसमें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक लिरिक्स, एक जो लाइन आती है इसके अंदर आती है, मेरे पास फार्म है, फार्म पर घोड़े हैं, आजा घोड़े पर चढ़। मतलब क्या 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 मतलब बनता है इस बात का? कहां से लाते हो ऐसे आइडियाज, ऐसी सोच कहां से आती है यार? ऐसा क्या खाते हो सुबह सुबह यार जो इतनी बढ़िया बढ़िया मतलब हक मतलब जो भी है ऐसा गा देते हो यार? सुबह सुबह सही से फ्रेश हो लिया करो, वरना वो गैस ना दिमाग में चढ़ जाती है और ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखने या फिर ऐसी ऐसी चीजें लिखनी पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जिसके अंदर ये बात बोली गई है। फिर भी जहां से गुजरू वहां पर हर लड़की के निकल जाती है चीख। इस बात का अगर मतलब निकाला तो भाई साहब बहुत ज्यादा मतलब निकल जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ज्यादातर लोग इसमें नेगेटिव ही मतलब निकालेंगे। और इन जैसे सॉन्ग का ट्रेंडिंग में आना ये चीज दिखाता है कि हमारे देश के युवा की क्या सोच हो गई है। सच में ये लोग जो हैं वो फिर जाकर कहेंगे कि मोदी जी हमें रोजगार दो। अबे साले कहां से तुम्हें रोजगार दे, पहले अपनी सोच को तो सुधारो यार। एक और चीज यार, ये इस सॉन्ग के ऊपर व्यूज आना वो इसके ऊपर ऐड देने से है। मतलब हैरानी की बात मुझे ये है कि इसमें बादशाह है, जैकलिन फर्नांडिस है, इतना ज्यादा इसके ऊपर काम किया गया है और अच्छे खासे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको प्रमोट मतलब कि वहां पर इसको अपलोड किया गया, फिर भी इस सॉन्ग को एडवर्टाइजिंग की जरूरत आ रही है। मतलब सच में इस सॉन्ग को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, रेगिस्तान में कौन जैकेट पहन के घूमता है यार? मतलब वो रेगिस्तान की बेस्ती हो रही है, मतलब मजाक कर रहा है वहां पे वो इतनी गर्मी के अंदर। और एक चीज यार, टोनी कक्कड़ भैया क्या कम थे? वो हम उनको झेल रहे थे ऑलरेडी। एक और फिर वहां पर ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं जिनको झेलना पड़ रहा है। टोनी कक्कड़ भैया का कोको कोला, अब बादशाह भैया का यहां पर पानी पानी। किसी और की कमी है तो आ जाओ यार नींबू पानी बना लो। तो बस इससे ज्यादा और इस सॉन्ग के बारे में बात नहीं होती जिसमें कोई साइंस भी नहीं है यार, ऐसा सॉन्ग सुनना पड़ता है। खैर अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना है तो प्लीज कमेंट कर देना कि आप लोगों को कैसा लगा। वो फैन आएंगे मुझे पता है कुछ कहने, मुझे तो कोई फर्क नहीं। जैसा भी आप लोगों को ये सॉन्ग लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना, और नहीं सुना है तो आपकी इच्छा है, आप फैन है तो बेशक जाके सुन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्रेंडिंग में चल रहा है तो अपने सर में थोड़ी देर दर्द करके बैठ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।